राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ना श्रावण महीने का थर्ड सोमवार है, तो मैंने सोचा जो मंदिर जाऊंगी, तो सुबह सुबह उठ के पूरा घर का काम कर लिया हूँ। तो मैं सुबह इतना जल्दी काम किया तो हस्बैंड मुझे पूछ रहे थे, तो कहाँ जाना है तुमको और क्या प्रोग्राम है जो इतना जल्दी काम ख़त्म कर लिया। मैं उनको बता रही थी जो सबसे पहले मैं रिपोर्ट दिखाने के लिए डॉक्टर को घर जाऊंगी, उसके बाद मैंने जहाँ पे पेट का लाइव स्कैन करते हैं ना, तो डॉक्टर ने जो एड्रेस दिया था तो वहाँ पे मैं इंक्वायरी करने के लिए जाऊंगी। उसके बाद आके मैं मंदिर जाऊंगी। साथ ना मेरा एक फ्रेंड भी जाएगा, तो वो मुझे सुबह ही बोला था जो मंदिर जाना है, तो मैं उसको पहले बोली जो मेरा थोड़ा लेट होएगा तुम इंतज़ार करना। तो मैं 12:30 बजे तक डॉक्टर का उधर से आके फटाफट रेडी हो गई थी। उसके बाद ना मेरा फ्रेंड से बात करके मैं नीचे चला गई, तो नीचे से ना मैं बेलपत्रा पौधा से बहुत सारा बेलपत्रा निकाली। उसके बाद ना मैं जब बाहर गया तो देखा कि नंदीश्वर महाराज रोड पे ही खड़े थे, तो मेरा दर्शन भी हो गया। मौनी मन सोच रही थी मंदिर जाने से पहले नंदी महाराज से दर्शन हो गया, और मन में ना बहुत ही खुशी हो रहा था। ऐसे थोड़ा सा आगे चला गया मैं, तो मुझे ना एक शॉप में जाने का था, क्योंकि मुझे मिल्क खरीदने का था और थोड़ा सा चावल भी खरीदना था। बैक साइड में जो शॉप है ना, तो मैं वहाँ पे गई थी, तो वहाँ से मैंने मिल्क, अगरबत्ती और थोड़ा सा चावल खरीद के लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरा फ्रेंड के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, तो वो अभी तक आया नहीं है। तो थोड़ा टाइम का बाद मुझे कॉल किया जो तुम कहाँ पे हो, तो मैं उसको बताई मैं बिल्डिंग का बाहर हूँ। तो एक्चुअली ना वो बिल्डिंग का अंदर चला गया था। फिर ना अब लोग देख सकते हैं मेरा फ्रेंड गाड़ी लेके आ रहा है, तो वो वहाँ पे रुक गया था। तो बाद में वो मुझे बोल रहे रुको मैं तुम्हारा पास आ रही हूँ। आज हम लोग ना शिव जी का जो मंदिर गया था ना, तो ये ना बहुत पुराना मंदिर है। मैं जब मुंबई आई थी ना, तो यही मंदिर में मैं पहले पूजा देने के लिए जाती थी। बट अभी ना मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे बहुत सारा मंदिर बना हुआ है, तो इसके लिए वहाँ पे जाने के लिए नहीं होता है, और ये ना थोड़ा घर से लंबा भी पड़ता है। ना गुजराती लोगों का भी सावन महीने का फास्ट सोमवार है, इसके लिए बहुत सारा भाभिया और भाइया लोग भी ना मंदिर में पूजा देने के लिए आया है। मेरा फ्रेंड को मैं बोल रही थी जो ये मंदिर में नहीं आती तो अच्छा होता था, क्योंकि यहाँ पे बैठ के पूजा करने के लिए भी नहीं होएगा। और इससे पहले जो एक सेकेंड सोमवार को जो मंदिर में हम लोग गया था ना, तो वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक नहीं था, तो बैठ के अच्छे से पूजा किया था हम लोग ने। यहाँ पे तो खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है, तो मैं मेरा फ्रेंड को बता रही थी, तो बोले थे ठीक है यहाँ पे हम लोग फटाफट पूजा करके, और एक मंदिर है उमा देवी का मंदिर, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। फ्रेंड को ना उसी टाइम में बता रही थी जो मैं पैकेट में मेल खरीद के लेके गया था वो यहाँ पे मैं कैसे काटूँ, उससे अच्छा तो बाहर मिल्क का गिलास मिल रहा है वो मैं खरीद के लेके आ जाती हूँ। फिर बैठ के ना मिल्क का थैली काटने के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सब लोग ना लोटा भर के मिल्क लेके आया था, नहीं तो गिलास में लेके आया था। तो मैं इसके लिए मैंने बाहर से मिल्क का गिलास लिया और अकंदो फूल भी लेके आया था वहाँ से। जो पुरोहित जी थे ना, तो वो ना सबको बोल रहे थे जो जल्दी पूजा करके बाहर जाने के लिए, क्योंकि बाहर में भी बहुत सारा पब्लिक था। वहाँ पे बहुत टाइम से खड़ी थी क्योंकि जगह नहीं मिल रहा था मुझे, और वहाँ पे एक भाई साहब पूजा करके बाहर गया, तो मैं उसका जगह पे मैं जाके भगवान को दूध चढ़ा रही थी। और जो पुरोहित थे ना, तो और ना पहले जो सब लोग पूजा करके गया ना, तो वहाँ पे बेलपत्ता फूल फूड सब ना बहुत सारा था, तो वो सब ना निकल रहे थे। उससे पहले ना मैं जो ग्लास में मिल्क लेके आई थी ना, तो वो मैंने भगवान को चढ़ा दिया। बाद ना मैं घर से जितना सारा सामग्री लेके गया था ना, तो भगवान को मैं चढ़ा रही थी।
जैसे कि बेलपत्ता, मेरे घर से ना चंदन लेके गया था, तो बेलपत्ता में मैं चंदन लगा के शिव जी को चढ़ाई, और फूल फल ये सब भी मैंने भगवान को चढ़ाई। और आरती करने के लिए ना मैं दिया लेके गई थी, तो अंदर ना दिया और अगरबत्ती जलाने के लिए अलाउ नहीं था। जो पुरोहित जी था ना, तो बताई थी जो दिया और अगरबत्ती जो है ना, तो आप वो बाहर लगा सकते हैं। দিয়া তুমি লাও এখানে করে চলবে নি বললো। লাও তাড়াতাড়ি লাও। जी का पूजा करने का बाद मैं मंदिर से बाहर आई, तो बाहर में देखा जो एक भाभी ना नंदीश्वर महाराज जी को पूजा कर रही थी। जी ना नंदीश्वर महाराज के माथे पे ना बेलपत्ता रख रही थी, तो उसी टाइम मैंने नंदीश्वर महाराज जी का पैर में बेलपत्ता चढ़ाई और सर पे फूल चढ़ाई थी। उसके बाद मैं वहाँ से आ गई हूँ, और भाभी जी ना नंदीश्वर महाराज जी का कान में कुछ बता रही थी, तो मैं ना दिया जलाने के लिए साइड में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं दिया जला रही थी, तो और मेरा साथ ना मेरा फ्रेंड भी था। मेरा फ्रेंड ना घी और कापूस लेके आया था, तो और वो ना बता रहा था मैं मोमबत्ती भी लेके आई हूँ। यहाँ पे ना एक आंटी नीचे बैठा हुआ था, तो मैं आंटी को बता रही थी आपका बाजू में मैं भी बैठ जाती हूँ। हाँ, आंटी भी मुझे बोल रहे थे ये कितना टाइम में खड़ा रहो, इतना टाइम में खड़ा नहीं हो पाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आंटी जी सब पूजा का सामग्री थोड़ी में डाल रहे थे। उसके बाद मैंने दिया लगाने के लिए और अगरबत्ती लगाने के लिए भगवान का पास जाके मैं आरती कर रही थी ना। जो अदर साइड में गणपति जी है, तो मैं वहाँ पे आरती करने के लिए गया, तो वहाँ पे ना फैन चालू है और मेरा दिया बुझ गया था। टाइम ना मेरा फ्रेंड मुझे बोल रहे थे उस तरफ क्यों गया हूँ, तो मैं उनको बताई थी जो गणपति जी है ना इसके लिए, तो बोल रहे थे उधर मत जाओ, तो दिया तुम फिर से जला के मंदिर में रख दो। और मेरा हाथ में ना अगरबत्ती था, तो अगरबत्ती से भी मैंने आरती किया हूँ। दिया को ना मैं यहाँ पे ही रख दिया था, तो मेरा हाथ में जो अगरबत्ती था ना, तो मैं वो लेके जाके यहाँ पे गणपति बिठा है ना, तो वहाँ पे मैंने आरती किया हूँ। अगरबत्ती से आरती कर रही थी ना, तो अगरबत्ती को मैं यहाँ पे ही रख के आ गई थी, तो मेरा फ्रेंड उसके बाद ना आरती कर रहे थे ना। मैं जो दिया लगाई के रखी थी ना, तो बुझ गया था, तो मेरा फ्रेंड ने वापस जला दिया, और वो दिया और अगरबत्ती को ना एक साथ में लेके आरती कर रहे थे, तो मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम आरती करूँगी ना, ऐसे ही दिया पकड़ के आरती करूँगी। आरती करने का बाद ना मैं नंदीश्वर महाराज जी का कान पे कुछ बोलती हूँ। मेरा मानना है कि नंदीश्वर महाराज जी का कान में कुछ बोलती हूँ ना, तो डायरेक्ट शिव जी का पास जाता है। इसके लिए हमेशा मैं जब भी मंदिर जाती हूँ ना, नंदीश्वर महाराज जी का कान में कुछ ना कुछ बोल के आती हूँ। बाद ना मेरा फ्रेंड को मैं बोल रही थी, जो मैं आंटी से नमील खरीद के लेके आई थी, उनको मैंने पैसा नहीं दिया, तो उनको मैं पैसा दे के आती हूँ। तो उसके बाद ना ये मंदिर का साइड में बहुत सारा भगवान का बिठाया है, जैसे कि माता हनुमान जी और एक माता जी को बिठाया, लेकिन उनका मुझे ना नाम नहीं पता था। पे जितना सारा भगवान था ना, सबको दर्शन करने का बाद ना हम लोग बाहर गया, तो बाहर में ना एक बहुत बड़ा शिवलिंग को बिठाया है,
तो मैंने मेरा फ्रेंड को बोल रही थी यहाँ पे भी मैं थोड़ा पूजा कर लेती हूँ। तो मेरे से पहले ना एक भाई साहब वहाँ पे जल चढ़ा रहे थे, सबका पूजा करने का बाद ना तो मैं वहाँ पे जाके भगवान को चढ़ा रही। साइड में भी एक कौन सा भगवान को बिठाया है यहाँ पे, तो ये भगवान का नाम नहीं पता है, तो आप लोगों को मालूम है तो आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ से थोड़ा सा बेलपत्ता और फूल लेके आई थी, तो मैं जब आ रही थी ना तो मेरा लोटा में मैं मिठाई लेके गया था, तो मैं भूल गई थी चढ़ाने के लिए, तो मैं फिर से जाके मिठाई चढ़ाई। तो उसी टाइम मैं मेरा फ्रेंड को भी बोल रही थी तुम भी चढ़ाओगे क्या, तो बोला था नहीं मैं वहाँ पे चढ़ाई हूँ। या करने का बाद ना वहाँ पे एक भाभी और उसका दो लड़के को लेके आया, तो उन लोग ने भी जाके वहाँ पे पूजा कर रही थी। उसके बाद ना हम लोग राम सीता और लक्ष्मण जी का मंदिर में गया हूँ, तो ये मंदिर का साइड में ना और एक हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ पे तो हम लोग नहीं गया था। अभी मैं ये मंदिर में गया ना तो अभी भी मंदिर का गेट हमेशा ही बंद है ऐसा ही देखने को मिला है मुझे, गेट ओपन है ऐसा देखने के लिए मुझे नहीं मिला है। तो वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।